मेरे प्यारे दोस्तों, आइए दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं छोटे से जगह में बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से छोटे से जगह में बहुत सारी सब्जियां उगाता हूं, वो भी ऑर्गेनिक बेस पे। साथ ही जो भी कीटनाशक का मैं जो प्रयोग करता हूँ, बिल्कुल जैविक कीटनाशक मैं घर पर खुद से बनाता हूँ, जो कि नीम के पत्ते से आप आसानी से बना सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी दोस्तों, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरी एक छोटी सी बाड़ी है जिनमें आप देख सकते हैं बहुत सारी सब्जी हमने ग्रो करा है बहुत ही छोटे से जगह में। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही खुशी मिलेगी, क्योंकि इस तरह से अगर खेती की जाए तो कम समय में थोड़ी सी जगह में अच्छे खासे सब्जियां जो है उगाई जा सकती है। इस तरह की सब्जियां जो उगती है, इस तरह के ऑर्गेनिक बेस पर जो सब्जियां आप उगाते हैं, वो हमारे सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बने रहे दोस्तों इस वीडियो पे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे गार्डन में कितने सारे सब्जियां जो है ग्रो करा है। और अभी मैं कुछ खीरे का जो हार्वेस्टिंग भी करने वाला हूँ, साथ ही इस बाड़ी में बच्चे भी हमें जो है काफ़ी जो है छोटे से पार्टी भी मनाएंगे। तो चलिए ये वीडियो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, एक छोटी सी मोटिवेट आपको मिल सकती है, आप भी अपने घर पर छोटे से गार्डनिंग कर सकते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस परफेक्ट गार्डनिंग अपडेट चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं छोटे से जगह में, हमारे एक छोटी सी जगह है यानी कि छोटे से एक बाड़ी है, जिनमें मैं बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से छोटे से जगह में किस तरह से बहुत सारी सब्जियाँ ऑर्गेनिक बेस पर उगाता हूँ, साथ ही किस तरह की ऑर्गेनिक कीटनाशक मैं अपने घर पर बिल्कुल फ्री में बनाता हूँ, इस वीडियो पर आप देखने वाले हैं। चलिए मैं आपको डिटेल से दिखाऊँगा कि छोटे से जगह में कितने सारे सब्जियाँ ने ग्रो करा है। यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और अभी आप ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी मई के मौसम चल रही है और इस गर्मी के मौसम में आप देख सकते हैं करेले और कुछ यहाँ पर भिंडी है, यह है हाइब्रिड भिंडी जो कि हाइब्रिड किस्म के हैं, जिनके नाम, इसका नाम दोस्तों हम अपने वीडियो पे मेंशन कर दूंगा, आप इसे देख सकते हैं। अच्छे खासे इसके पौधे बनते हैं दोस्तों, छोटे से पौधे इनके देख सकते हैं और बहुत ही जल्दी इसकी फ्रूटिंग लग जाती है। जब पौधे लगभग एक महीने के पौधे होते हैं और छोटे से जगह में, मतलब छोटे पौधे में इसके फ्रूट जो है वो लगना स्टार्ट हो जाती है। इधर हमारे पास ये भी करेला है जो कि हाइब्रिड है, और इधर नैनवे के पौधे भी आप देख सकते हैं, अभी इनकी बेल को हमने सेपरेट करा है बहुत ही अच्छे तरीके से। और इधर आप देख सकते हैं खीरा का दोस्तों, और ये भी हाइब्रिड है F1 वैरायटी के। हाइब्रिड में जितने सारे बीज होते हैं दोस्तों, उसकी अच्छे खासी हमें प्रोडक्शन मिलती है और इनमें बीमारियां भी बहुत ही कम लगती है, कम समय में अच्छे फ्रूटिंग ली जा सकती है, ये आप देख सकते हैं। और ये खीरा दोस्तों, खीरा का पौधा जब भी आप लगाते हैं तो लगभग 30 से 35 दिन के बाद इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, और काफ़ी अच्छी इसकी फ्रूट होती है, फ्रूटिंग जो है वो लगने लगती है। अगर आप एक खीरा का पौधा लगाते हैं तो उस पर आपको 3 से 4 खीरे जो है आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी, और इस तरह से आपको 3 से 4 बार आप खीरे के पौधे से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अभी अच्छे खासे इसकी फ्रूटिंग लग रही है दोस्तों, और ख़ास करके अभी के मौसम में बहुत सारे कीट जो है, अब जो है इसकी जो प्रजातियाँ है वो काफ़ी अटैक करने लगी है हमारे सब्जियों के पौधे में। ज़्यादातर हम रासायनिक कीटनाशकों का जो है इस्तेमाल करते हैं, और इसका दोस्तों हमारे सेहत के लिए काफ़ी इसका जो है दुष्परिणाम हमें मिलते हैं। ध्यान रहे, अगर आप इसका प्रयोग जो है थोड़े कम करेंगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद है आपके हेल्थ के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही नुकसान है दोस्तों। इसके अल्टरनेटिव में आप ऑर्गेनिक जो है पेस्टिसाइड आप अपने घर पर बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कीटनाशक जो है आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, जो है कि नीम के पत्ते दोस्तों, नीम के पत्ते से बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अभी मैं आगे दिखाऊँगा कि नीम के पत्ते से हमने जो लिक्विड जो तैयार करा है, और इसका स्प्रे अभी आप देख सकते हैं हर 7 दिन में मैं अपने बाड़ी में करता हूँ। मतलब नीम के पत्ते की लिक्विड अगर आप बना लेते हैं और इसे एक शेड्यूल के अनुसार एक समय से अगर आप लगातार स्प्रे करेंगे तो बहुत सारे कीट जो है उससे आप बचाव पा सकते हैं, इससे नियंत्रण पा सकते हैं। कई बार दोस्तों रासायनिक कीटनाशक जो है हम बाज़ार से ले के आते हैं, इसके कई दुष्परिणाम है हम तो जानते ही हैं, इसके जब हम फ्रूट पर इसके स्प्रे करते हैं तो इसका कई दिनों तक इसका असर होता है, कई बार हम इसका खाते हैं जिससे हमारे शरीर में भी इसकी कुछ मात्रा चली जाती है, जिससे बहुत सारे नुकसान है।
अगर आप नीम के पत्ते की लिक्विड बनाएंगे तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। साथ ही एक फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि जब नीम के पत्ते का लिक्विड आप स्प्रे करते हैं पत्तों के ऊपर, तो ये पत्तों के ऊपर ये चिपक जाती है और एक बैठ जाती है, जिससे कि कीट जो है उन पत्तों को खाना पसंद नहीं करते हैं। और कई बार जो कीट है जो अंडे देते हैं, खास करके अंडे, तो हम जानते हैं जो कीट अपने अंडा जो देती है वो पत्तों के ऊपर, पत्तों के बैक साइड देती है। तो अगर आप नीम के पत्ते की लिक्विड बनाकर स्प्रे करते हैं तो जो भी कीट अंडे देते हैं वो अंडों जो है इनके अंडे जो है वो फैल नहीं पाती और उनके नष्ट होने लगते हैं। इस तरह से कीट पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड जो है, केमिकल कीटनाशक जो है वो एकदम से काम करेगी और एक से दो दिन का इसका असर होता है। कई बार इसका असर उतने हमें नहीं मिलती है। कई बार आप देखते होंगे कि हम बाज़ार से जब इसका स्प्रे, जब इसकी लिक्विड जब हम ले कर आते हैं, यानी कि कीटनाशक जो ले कर आते हैं, उसका स्प्रे करने के बाद हमें उतनी फ़ायदे नहीं मिलती है। एक बात आप जान ले दोस्तों, रासायनिक कीटनाशक जो भी है इनका जो जो असर है कीटों के ऊपर, कई कीट अब इनके प्रति दोस्तों अपनी सहनशीलता जो है वो बढ़ा ली है। कई ऐसे दवाइयां हैं जो कीड़े के ऊपर हम स्प्रे करते हैं, जो कीटनाशक जो अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं, उसका रिजल्ट आप देखते होंगे उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि ये उनके प्रति रेजिस्टेंस हो चुके हैं, वो अपने आप को एक सहनशीलता बढ़ा ली है। इसलिए कई बार हम जब हम कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, अगर आप उसे अच्छी रिजल्ट आपको नहीं मिलती है, तो आपको दो तीन तरह के अलग अलग दवाई का स्प्रे करनी चाहिए। इससे आपको अच्छे, आपको जो नियंत्रण है कीटों के ऊपर आप अच्छे से पा सकते हैं। अगर आप ही एक ही दवाई का स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। इससे किसान का लागत भी बढ़ती है और जो पैदावार है उनमें भी कई बार दुष्ट परिणाम हमें देखने को मिलती है। इसलिए तो दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि घर पर ही पेस्टिसाइड आप बनाएं, कुछ ऐसे कीटनाशक जो कि आप अपने घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। नीम के पत्ते की आप लिक्विड किस तरह से बना सकते हैं, कीटनाशक किस तरह से बना सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी एक लिंक में मेंशन करा हूँ कि आप नीम के पत्ते की लिक्विड किस तरह से बना सकते हैं, इसकी कीटनाशक किस तरह से बना सकते हैं, कंप्लीट वीडियो जो है बना रखा है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस वीडियो पे चले जाएंगे और आसानी से आप उस वीडियो को देखकर घर पर भी आप कीटनाशक बना सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अभी आप ये देख सकते हैं इसका स्प्रे हमने करा है अपने खेत पे, अपने बाड़ी पे, तो बहुत ही अच्छी असर हमें मिला है दोस्तों। और इस तरह से हमें खेती में लागत भी कम लगती है और अच्छे खासे हमें फ़ायदे होते हैं। अभी आप देख सकते हैं अगर आप इस पर केमिकल जो पेस्टिसाइड है, केमिकल कीटनाशक जो है उसका स्प्रे अगर आप करेंगे तो कई बार फ़ायदा मिलते हैं, कई बार फ़ायदे भी नहीं मिलते हैं और इसका लागत भी काफ़ी अधिक है। एक दवाई जब भी हम बाज़ार पर ख़रीदते हैं तो वो 100 से 200 रुपए तक भी मिल जाती है कई के रेट। इस तरह से पैसे हमें कम अधिक खर्च करनी पड़ती है और रिजल्ट भी उतनी खास हमें देखने को नहीं मिलती है। अभी देख सकते हैं ये लिक्विड हमने बना रखा है नीम के पत्ते का और बहुत ही असरदार है दोस्तों। इसकी जो पावर है, इसकी शक्तिशाली, आप अगर और भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिश वाश, जो बर्तन धोने का जो डिश वाश होती है इस तरह के, आप इसे इसे लिक्विड में आप इसका मिक्सअप करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब शैम्पू जब इस पर मिलाते हैं, साबुन या फिर अन्य इस तरह के चिपचिपा पदार्थ, तो ये एक चिपचिपा लिक्विड बन जाती है। जब इस तरह से मिक्सअप करके हम अपने खेत पर, बारी में या फिर पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं तो जो शैम्पू है वो लिक्विड होने के साथ साथ वो पत्तों के ऊपर ये चिपक जाती है और इसका असर कई दिनों तक रहती है, जिससे कीट इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। या फिर कीट जो है जो अंडे देते हैं वो अंडे इस नीम के पत्ते के, ये नीम की जो लिक्विड है इसके संपर्क में आने से उनके अंडे ख़राब होते हैं, इनकी लगातार तादाद जो है वो कम होती है, इनकी संख्या कम होने लगती है और इस तरह से कीटों का जो नियंत्रण है वो बहुत ही अच्छे से मिल जाती है। साथ ही इसका फ़ायदा ये है कि इसका स्प्रे करने से हमें इसके हमारे सेहत पर इसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो कई सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। आप भी कई ऐसे लिक्विड है, यानी कि कई ऐसे कीटनाशक हैं जो आप ऑर्गेनिक रूप से आप अपने घर पर बना सकते हैं। ऐसी ही वीडियो आपको बहुत सारी मिल जाती है। ध्यान रहे, जब इस तरह से स्प्रे करते हैं तो पत्ते के ऊपर और पत्ते की बैक साइड आपको करनी है।
पत्ते की बैक साइड करने से बहुत सारे अंडे पत्ते के नीचे जो कीट है वो देते हैं, इससे पूरी तरह से वो ख़त्म होती है। जब भी आप स्प्रे करें तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें। आज चलिए दोस्तों, बहुत सारे खीरे जो है हमारे जो है वो मैच्योर हो चुके हैं, आज हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। बच्चे भी काफ़ी खुश है क्योंकि हमारे बारे में इतने फ्रूटिंग हुई है, करेले के या फिर बहुत सारे ऐसे खीरे के पौधे हैं। और आने वाले दिन में अभी मैं आपको वाटरमेलन भी दिखाऊंगा कि किस तरह से वाटरमेलन हमारी जो है वो लगी हुई है। तो चलिए एक एक करके खीरा को हम हार्वेस्ट कर लेंगे और देखते हैं हमें कितने खीरे जो मिल जाती है। तो आप भी खीरे के पौधे लगा सकते हैं दोस्तों। खीरे के पौधे लगाने से फ़ायदे क्या है कि बहुत ही जल्दी इसमें फ्रूटिंग हमें मिलने लगती है, लगभग 35 से 40 दिन में इसमें अच्छी खासी फ्रूटिंग मिलने लगती है। इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं। आने वाले दिन में एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि गमले में भी खीरे का पौधे आप किस तरह से उगा सकते हैं। इसकी एक कम्प्लीट अपडेट वीडियो के साथ मैं लेके आने वाला हूँ और आपके साथ मैं शेयर करूँगा। यकीनन उस वीडियो को देख कर आप भी जो आपको जो है वो काफ़ी खुशी मिलेगी। और आप भी इस तरह से छोटे से जगह में, अगर आपके पास जगह की कमी है, तो आप गमले में भी खीरे की खेती या खीरे के पौधे जो है वो आप लगा सकते हैं। इतने सारे फ्रूटिंग दोस्तों, और अभी इसके छोटे छोटे बहुत सारे फ्रूटिंग अभी और भी लगी है। डे बाय डे इनके फ्रूट जो है साइज़ बढ़ेंगे, इनके साइज़ थोड़ी इंक्रीज करेगी और इस तरह से हम डे बाय डे इसकी हार्वेस्टिंग लेते रहेंगे। तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कीटनाशक अपने घर पर भी बना सकते हैं। अभी चलिए एक एक करके हमने तोड़ लिया है और इधर भी आप देख सकते हैं कई फ्रूट अभी आप देखा, आपने देखा कि कई सारे छोटे छोटे फ्रूटिंग भी अभी लगी हुई है। तो अब चलिए, बच्चे भी काफ़ी खुश है इसे खाने के लिए। तो चलिए हम इसे बच्चों को दे देंगे या अपने हाथों से इन्हें छीलेंगे और खाएंगे। इन्हें काफ़ी खुशी मिलती है इस तरह की खेत में आने से, इन्हें काफ़ी खुशी मिलती है। इसका यह कहना है कि चलिए हम भी खेत चलेंगे और फ्रूट जो है मैं अपने हाथों से तोड़ लूँगा या तोड़ूंगा। तोड़ने के बाद चलिए अभी हम इसे अच्छे से पानी में धोकर इसे अच्छे से वाश करेंगे और दोस्तों के साथ बच्चों के साथ हम मजे लेने वाले सेम तरीके से हम इसे धो लेंगे। यहाँ देख सकते हैं कितने स्वस्थ, फ्रेश और बिल्कुल जहर मुक्त, केमिकल फ्री है ये। तो चलिए अब हमारे बच्चे खुश है, इसे खाने के लिए तैयार है। और अभी गर्मी के मौसम चल रही है दोस्तों, और वैसे भी गर्मी के मौसम में खीरा खाना काफ़ी पसंद है लोगों को। अगर खीरा इस गर्मी के मौसम में मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसे छील लेंगे और नींबू, प्याज, टमाटर, अन्य और भी चीज़ हम मिलाकर इसे सैलड के रूप में खाएँगे। तो आप भी इस तरह से मज़े कर सकते हैं। मुझे दोस्तों इस तरह की खेती करना या इस तरह से छोटे छोटे गार्डनिंग करना बहुत ही पसंद है। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं, आप अपने कमेंट में ज़रूर लिख के अपने कमेंट सेक्शन में आप अपना राय दें। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहें अपने दोस्तों के साथ तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन घंटी को ऑल ऑप्शन पर जरूर सेट कर ले दोस्तों, क्योंकि इस तरह की वीडियो, बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और आने वाले दिन में आपको इस तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर सेट कर ले, ताकि जब भी नई वीडियो कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन मिल सके और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख सकते हैं। तो चलिए चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर ले, और पुराने हैं इस चैनल पे तो आप इसे एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू। Thank you.